आइसोमेरिज्म में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। केमिस्ट्री लवर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, लेकिन अभी तक आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ लिया है उसको दिमाग में घुसाने की मैं कोशिश करूंगा, फिक्स करने की कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखते रहिए। अभी तक आपने क्या सीखा है आपके पूरे दिमाग में घुमाऊंगा। क्या क्या सीखा भाई? कि सबसे पहले आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मतलब क्या? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की बात हो रही है, या तो आपको दो या दो से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी भाई। अब वो दो से ज्यादा बनाए तो उसकी कंडीशन है, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म दो टाइप का, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल में क्या आता है? दो या दो से ज्यादा ऐसा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्टीरियो में क्या है भाई? दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है कि जो एटम या ग्रुप है उनकी जो पोजिशन है स्पेस में वो अलग अलग होने वाली है। तो ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलते हो? स्टीरियो आइसोमर्स। इनकी वजह से इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई? अलग अलग हो गई। स्टीरियो आइसोमर्स फिर हमने क्लासिफाई किया दो में, कॉन्फिगरेशनल, कंफर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स फॉर्म होते थे ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कंफर्मेशनल आइसोमर्स फॉर्म होते थे ड्यू टू फ्री रोटेशन। फिर अपन ने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स पढ़ना स्टार्ट किया। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो टाइप के आए यार, एक जीआई और दूसरा ओआई। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म होते थे ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होते थे ड्यू टू नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। यहां तक की कहानी पिछले लेक्चर की, जो आपके दिमाग में पूरी तरीके से एकदम नई हो गई होगी, ठीक है। अब नई कहानी को स्टार्ट करते हैं कि नई कहानी क्या है। नई कहानी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे यार, ठीक है। बहुत छोटा सा, प्यारा सा, सच्चा सा टॉपिक है भाई, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और क्वेश्चन यूं हो जाएगा भाई। बाबा जी आ गए तो क्वेश्चन तो बनने वाला है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें पता है कि ये फॉर्म होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कि अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर देखा जाता है? कि अल्कीन की अगर बात करें तो अल्कीन में जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो पाई बॉन्ड के अलोंग देखा जाता है। क्या देखा जाता है? पाई बॉन्ड के अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और अगर मैं साइक्लो कंपाउंड की बात करूं तो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी देखा जा सकता है, पाई बॉन्ड के अलोंग भी देखा जा सकता है, और दोनों बॉन्ड के अलोंग भी देखा जा सकता है, सिग्मा और पाई दोनों के अलोंग भी हो सकता है भाई। मतलब अल्कीन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के अलोंग है और वहीं साइक्लो कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी हो सकता है, पाई बॉन्ड के अलोंग भी हो सकता है, और दोनों के अलोंग भी हो सकता है भाई। अब ये फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में बाबा जी थोड़ा सा यार कंफ्यूजन है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है या फ्री रोटेशन क्या होता है। इसे बहुत आराम से समझना दोस्त, ठीक है। जैसे कि समझे भाई कि आपके पास दो स्टिक्स हैं, दो स्टिक्स हैं, देखो भाई दो स्टिक्स हैं, एक स्टिक ये रही, टैंग 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 ये बना दी, ठीक है। एक और स्टिक मैंने इसके नीचे लगाई, ये रही, ठीक है, ये रही। अब मैंने क्या करा भाई, एक कील ली, ठीक है, और यहां पर डाला भाई, यहां पर ठोक दिया, ये कील ले ली, ठीक है। क्या ये दोनों स्टिक अब घूम सकती हैं क्या? यहां पर मैंने इस तरह से लगाया, देखो इस तरह से लगाया, अब यहां पर मैंने एक कील लगा दी, यहां पर एक कील लगा दी, अब क्या होगा कि ये दोनों घूम सकते हैं क्या? यार घूम तो सकते हैं यार। कि अगर इस कील को अगर मैं इसको उठा के इधर करूं और इसको पीछे करूं तो ऐसे घूम जाएगा ये। मतलब ये क्या हो रहा है? ये मेरा फ्री रोटेशन है दोस्त, ये मेरा क्या है? फ्री रोटेशन है, ये फ्री रोटेशन आ रहा है ये मेरा, कि आराम से घूम पा रहे हैं भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से घूम पा रहे हैं। कि ये इधर आ जाएगा, ये पीछे की साइड चला जाएगा, ये आराम से घूम रहा है। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को समझना। अब ये जो दो मैंने स्टिक लिए ना, ये क्या है भाई? ये बॉन्ड्स हैं, ये क्या है? बॉन्ड्स हैं। अब यहां पर समझना, अब मैं दूसरे स्टिक लेता हूं, देखो ये रही मेरे पास एक और स्टिक, टैंग ये रही,
ठीक है, दूसरे स्टेक ये रही मेरे पास, क्या रही, ये रही। अब मैंने कील ली भाई, ठीक है, एक ही यहां पर एक लगाया और दूसरी मैंने यहां पर लगा दी यार, ठीक है। अब ये दोनों मैंने लगा दिए, अब होगा क्या कि अब जैसे ही मैं इसे घुमाने की कोशिश करूंगा यार, कि यहां पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा भाई, आराम से मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम ज्यादा फोर्स भी नहीं लगा सकते, ये ज्यादा घूमेगा नहीं बेसिकली। अब यहां पर आप घुमाओगे भाई, घुमा रहे हो, खींच रहे हो, साइड खींच रहे हो, अब आप ज्यादा फोर्स भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये वाली जो स्टिक है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब यहां पर ये जो रोटेशन है भाई वो फ्री नहीं होने वाला है। अब फ्री नहीं है भाई, थोड़ा सा बाउंडेड है, तो उसे क्या बोल दिया कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है भाई। ये क्या है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है भाई, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये, ठीक है। तो ये आपका फ्री रोटेशन, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब अल्कीन में ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के अलोंग देखा जाता है, और साइक्लो कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी देखा जा सकता है, पाई के अलोंग भी देखा जा सकता है, और दोनों बॉन्ड के अलोंग भी देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यार कौन कौन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जीआई देते हैं, ठीक है, सही सुन रहे हो कि अपन वो कंपाउंड देखेंगे कि जो जीआई दे सकते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनकी बात करते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंपाउंड दैट कैन शो जीआई, कंपाउंड्स दैट कैन शो जीआई, कि ये जीआई दे सकते हैं भाई, कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। यहां पर पहली जो कैटेगरी आती है वो ऐसी कैटेगरी आती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये वैलेंसी इसकी इस तरह का स्ट्रक्चर हो। अब ये स्ट्रक्चर किस किस का हो सकता है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है आपके एल्कीन का, ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो सकता है, एल्कीन का, और किसका हो सकता है कि यार साइक्लो कंपाउंड में भी ऐसा आ सकता है कि ये साइक्लो कंपाउंड का भी हो सकता है यार। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कॉमुलेटेड पोलीन का, किसका, कॉमुलेटेड पोलीन, घबरा है नहीं पीछे वालों, भाई आया बता के जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। ये किसका हो सकता है, कॉमुलेटेड पोलीन का। अब ये कॉमुलेटेड पोलीन क्या होते हैं, कॉमुलेटेड पोलीन, ठीक है, पोलीन मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड, अब कॉमुलेटेड मतलब क्या, लगातार, जैसे ये लगातार डबल बॉन्ड, ये क्या है, कॉमुलेटेड पोलीन, ठीक है। तो पहला इस टाइप का स्ट्रक्चर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, तो इनमें तीन आते हैं, अल्कीन, साइक्लो कंपाउंड और कॉमुलेटेड पोलीन। और दूसरा जो स्ट्रक्चर देखा जा सकता है जो जीआई शो कर सकता है वो है आपके पास कुछ इस तरह से कि यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर किस किस का हो सकता है, ये स्ट्रक्चर ऑक्साइन का हो सकता है यार, और इमीन का हो सकता है, ऑक्साइन या इमीन, इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है जो जीआई शो कर सकता है वो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक एक नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर, ठीक है। अब यहां पर ये इसकी वैलेंसी भाई, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका हो सकता है, एजो कंपाउंड का, ये स्ट्रक्चर किसका हो सकता है, एजो कंपाउंड का। तो इन हमारे पास हैं जो जीआई शो कर सकते हैं, टोटल हमारे पास जो कंपाउंड की कैटेगरी आती है वो कितनी आती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं कि एल्कीन हो सकता है, साइक्लो कंपाउंड हो सकता है, कॉमुलेटेड पोलीन हो सकता है, ऑक्साइम हो सकता है, इमीन हो सकता है, एजो कंपाउंड हो सकता है। अब एक बात आती है यार, क्या ये हमेशा जीआई देगा, क्या ये हमेशा जीआई देगा यार, हमेशा तो कोई चीज फिक्स नहीं होती ना, जैसे कि कोई तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है, वो हमेशा मुस्कुराए ये जरूरी तो नहीं है, क्यों दोस्त, ठीक है, लड़के फील कर रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो यहां पर ये है कि कोई चीज हमेशा हो ये जरूरी नहीं है यार दोस्त, तो यहां पर ये हमेशा जीआई दे नहीं, मतलब कुछ कंडीशन होंगी ना, वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है या मुस्कुरा रहा है, मतलब कुछ कंडीशन है वहां पर। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी कुछ कंडीशन है जिन पर ये जीआई देगा, हमेशा नहीं देगा, हमेशा नहीं देगा। अब बात आती है कि कौन सी कंडीशन है जिन पर वो मुस्कुराए, ठीक है, मतलब कौन सी कंडीशन है जिन पर ये जीआई दे, अब उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंडीशन टू शो जीआई,
नेक्स्ट यार हमारे पास आती है यार कंडीशन टू शो जीआई की, यार क्या क्या कंडीशन है जिन पर जीआई शो करेंगे भाई। सबसे पहली जो कंडीशन है वो अल्कीन्स की बात कर लेते हैं कि अल्कीन की क्या कंडीशन है। अल्कीन की कंडीशन है बोथ एसपी टू कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। जो एसपी टू कार्बन है टर्मिनल वाले, जो डबल बॉन्डेड वाले आने वाला है भाई, ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए, तभी ये जीआई शो करेंगे भाई। तो अल्कीन की कंडीशन है बोथ एसपी टू कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। दूसरी कंडीशन की बात करें कि साइक्लो कंपाउंड में क्या कंडीशन है भाई। एक बात जानते हो आप कि साइक्लो कंपाउंड जो है वो जीआई या उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है, पाई के अलोंग भी हो सकता है और दोनों के अलोंग भी हो सकता है। अगर साइक्लो कंपाउंड को जीआई शो करना है अलोंग सिग्मा बॉन्ड तो एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। मतलब रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए अगर वो जीआई शो कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग। इफ इट कैन शो जीआई अलोंग सिग्मा बॉन्ड देन एनी टू मेंबर ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। तो किसी भी दो मेंबर, रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए तब वो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जीआई शो करेगा। अब बात आती है कि पाई के अलोंग भी शो कर सकता है बाबा जी, क्या पाई के लिए क्या कंडीशन है? पाई के लिए ये कंडीशन है कि अगर वो पाई के अलोंग जीआई शो करेगा, इफ इट कैन शो जीआई अलोंग पाई बॉन्ड देन रिंग एट मेंबर होना चाहिए। देन रिंग कितनी मेंबर होना चाहिए? एट मेंबर रिंग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ब्लू एट मेंबर रिंग ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता यार, क्योंकि ब्लू एट मेंबर रिंग ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। तो साइक्लो कंपाउंड सिग्मा के अलोंग शो करेगा तो रिंग के किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए, पाई के अलोंग शो करेगा तो रिंग आठ मेंबर होना चाहिए, आठ मेंबर रिंग के नीचे जो भी रिंग होती है 7, 6, 5 इनमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अल्कीन की कंडीशन, साइक्लो कंपाउंड की कंडीशन। अब बात करते हैं कि कॉमुलेटेड पोलीन की क्या कंडीशन होती है। कॉमुलेटेड पोलीन की कंडीशन होती है कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए। पहली कंडीशन है क्या कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि बोथ एसपी टू कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी, उनकी डिफरेंट वैलेंसीज होना चाहिए। कॉमुलेटेड पॉलीन की दो कंडीशन है, डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए एंड बोथ एसपी टू कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी भाई। अब बात करते हैं कि इमीन या ऑक्साइम की क्या कंडीशन होती है। इमीन या ऑक्साइम की कंडीशन, इमीन या ऑक्साइम का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो से आप जानते हो किस तरह का होता है, इस तरह का, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहां पर आप जानते हो कि इसकी ये कंडीशन है कि ये जो sp2 कार्बन है ना आपका, इसकी डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए कि sp2 कार्बन हैव डिफरेंट वैलेंसी। अगर इसकी डिफरेंट वैलेंसी आ गई तो ये जीआई शो कर देगा, और डिफरेंट वैलेंसी नहीं आई मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। यह इमीन या ऑक्साइम की कंडीशन है। लास्ट आता है एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड की क्या कंडीशन है कि एजो कंपाउंड की कोई कंडीशन नहीं है, सारे के सारे एजो कंपाउंड जीआई शो करते हैं भाई, ठीक है। सारे के सारे जो एजो कंपाउंड है वो जीआई शो करेंगे। एजो कंपाउंड आए टिक मारना कि जीआई तो ये देगा, ये कंफर्म बात है भाई, ठीक है। तो ये जितने भी एजो कंपाउंड है वो जीआई शो करते हैं, ये डेफिनेट बात है दोस्त, ठीक है। और ये जो जीआई शो कर रहा है एजो कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तुम थोड़ा सा देखो यार कि ये जो होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, एक वैलेंसी, और ये लोन पेयर। क्या होता है यार कि ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है उसे भी अपन एक वैलेंसी कंसीडर करते हैं जीरो मास की, ठीक है। ये जो लोन पेयर है उसे भी हम क्या करते हैं, एक वैलेंसी कंसीडर करते हैं जीरो मास की, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फैंटम एटम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैंटम एटम। ये जो बातें हैं ना भाई, जैसे कई सारी बातें होती हैं अपनी कि उन्हें मैं क्या हो सकता है लिख ना सकूं, मैं बोलूंगा आप उनको क्या करें, अपना जो कॉपी का छत होता है ना, छत या बालकनी बोलते हैं अपन उसे, ठीक है। जैसे कॉपी नहीं होती उसके ऊपर एक लाइन होती है, उसके ऊपर एक खाली जगह होती है, उसे बोलते हैं छत या बालकनी, कि वहां पर आप जाकर लिख लें यार उन चीजों को, क्योंकि हर चीज को लिखवाना यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार मैं ऐसी चीजें बोलूंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो आप वहां पर वीडियो को पॉज करें और उन चीजों को आप लिख लें, क्योंकि वो आपके कब पेपर में आ जाए भाई किसी को नहीं पता है, क्योंकि हर चीज को लिखवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है,
ठीक है। तो यहां पर ये लिख लेना भाई कि लोन पेयर को हम एक वैलेंसी कंसीडर करते हैं जीरो मास की, जिसे फैंटम एटम कहा जाता है अपनी अपनी भाषा में। ठीक है, किसी को हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, किसी को अंग्रेजी में लिखना है अंग्रेजी में लिखो, कि बोल रहा है कि आज तो मराठी में लिखूंगा कि मराठी में लिख भाई। ठीक है, लिख लिख ले भाई। ठीक है, क्योंकि अगर आ गया तो फिर भाई ठीक है, बोला कि यार सुना तो है, पता नहीं क्या बोला था उस, ठीक है, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, सुना सुना लग जाएगा फिर उस दिन। ठीक है, तो सुना सुना ना लगे इसलिए लिख लो भाई। ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर गाना गाओगे कि आज जग सुना सुना लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ कंडीशन है जीआई की। अभी तक की जीआई की कहानी को देखो, पूरी दिमाग में घुमाता हूं कि अभी तक अपन ने जीआई में क्या क्या पढ़ लिया है भाई। जीआई की बात करी, जीआई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण फॉर्म होता था, अल्कीन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के अलोंग है, साइक्लो कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा के अलोंग भी हो सकता है, पाई के अलोंग भी हो सकता है और दोनों के अलोंग भी हो सकता है। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो जीआई शो करेंगे। हमारे पास टोटल जो कंपाउंड निकले हैं वो कितने हैं भाई, अल्कीन है, साइक्लो कंपाउंड है, कॉमुलेटेड पोलीन है, ऑक्साइम है, इमीन है, एजो कंपाउंड है। क्या ये हमेशा जीआई देंगे? नहीं, कुछ कंडीशन है जिन पर ये जीआई देंगे। अल्कीन की कंडीशन है sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, दोनों जो sp2 कार्बन है उनकी डिफरेंट वैलेंसी। साइक्लो कंपाउंड की कंडीशन है कि ये सिग्मा के अलोंग भी जीआई दे सकता है, पाई के अलोंग भी दे सकता है। सिग्मा के अलोंग देना है तो किसी भी दो मेंबर रिंग के की उसकी डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, पाई के अलोंग देना है तो रिंग आठ मेंबर होनी चाहिए, बिलो एट मेंबर रिंग ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉमुलेटेड पॉलीन की दो कंडीशन है, डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इमीन या ऑक्साइम की कंडीशन है, sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए। एजो कंपाउंड की कोई कंडीशन नहीं है, सारे एजो कंपाउंड जीआई देंगे, वो हमेशा तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी इन केस ऑफ एजो कंपाउंड। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है वहां पर, ये ध्यान रखें। तो एजो कंपाउंड में वो हमेशा तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन जिन पर ये जीआई शो करेंगे। अब बात आती है कि इन पर क्या क्वेश्चन बनेंगे और कितनी रफ्तार के साथ बाबा जी हम इनके साथ खेल सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।